वेलकम क्लास 8 सकीना पब्लिक स्कूल। देखिए अपना फिजिक्स का सेकंड चैप्टर डेंसिटी के ऊपर है, तो डेंसिटी के ऊपर बात हुई, हमने कई बातें बताई कि क्या चीज़ डेंस होती है, कैसे डेंसिटी को कंसिडर करते हैं, कैसे समझ में आएगा ये चीज़ डेंस है, ये चीज़ लाइट, इस पर जिक्र हो चुका। सॉलिड के बारे में भी हो चुका और फ्लूइड्स यानी लिक्विड और गैस के बारे में भी हो चुका। डेंसिटी को जानने के लिए या डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए। नंबर वन मास, जिस चीज़ की डेंसिटी हमको निकालना है उसका मास हमको पता होना चाहिए, और दूसरी चीज़ें चाहिए उसका वॉल्यूम। मास जो है वो एक फंडामेंटल फिजिकल यूनिट है, क्वांटिटी है, और वॉल्यूम जो है वो एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। डेराइव्ड क्वांटिटी मतलब इसमें वॉल्यूम में, ये तो मास तुम्हें पता मिल जाएगा किलोग्राम में, और वॉल्यूम के लिए हमको तीन डायमेंशन चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, और ये भी मीटर में, बराबर मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर लेंथ है, लेकिन डायरेक्ट इसलिए कि तीन डायमेंशन का इस्तेमाल होता है, तो हमको पता चला कि डेंसिटी को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको रो कहते हैं, रो के नाम से इसको जानते हैं, RHO रो। तो डेंसिटी बराबर हो गया, मेरे ख्याल से ये इसमें आएगा ही, तो हम ऊपर लिखते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेफिनेशन भी डेंसिटी की यही है, डेंसिटी कोई पूछे अगर आपका डेंसिटी तो आप बताइए मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये इसकी डेफिनेशन है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज दी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने शुरू में बताया था कि देखिए अगर चीज़ों की का वॉल्यूम फिक्स रखा जाए लेकिन उनका मैटर अलग अलग हो, यानी आयरन हो वुड हो और दोनों का वॉल्यूम एक हो, तो मास जो है वो आयरन पीस का ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से उसकी डेंसिटी, यानी अगर मास घट पड़ रहा है तो डेंसिटी घटे और बढ़ेगी, और वॉल्यूम अगर घट बढ़ रहा है तो भी वॉल्यूम जो है तो भी डेंसिटी घटे और बढ़ेगी। दूसरे लफ्जों में हम ये जान सकते हैं कि डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, यानी अगर मास बढ़ रहा है, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो मास भी ज्यादा होगा, डेंसिटी अगर मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, और डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो डेंसिटी घटेगी, और अगर वॉल्यूम घट रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो ये भी याद रखने की बात है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। तो ये हो गई, अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, मास और वॉल्यूम। मास की हम डिनोट करते हैं मास को किलोग्राम से, और वॉल्यूम को हम मीटर क्यूबिक मीटर से। तो इस पूरे सिस्टम में अगर हम इसकी वैल्यू, इसकी यूनिट्स या इसके डिनोशंस रखें तो ये हो जाएगा किलोग्राम अपॉन क्यूबिक मीटर, और अगर इसको सीधा सीधा रखें किलोग्राम और उसे भी ऊपर ही लाएं तो ये हो जाएगा क्यूबिक मीटर।
इस तरह से हम इसको डिनोट कराते हैं। तो आज हम एक एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, वो एक्टिविटी है यूरेका कैन। तो डेंसिटी को अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसका हमें वॉल्यूम जो है निकालना जरा मुश्किल हो रहा है, तो हम उसका यूरेका कैन या किसी भी मेजरिंग सिलेंडर से उसको निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें निशान लगे, मान लीजिए यहां पर 200 ml का निशान लगा हुआ है। तो अब हमें इसे इसका वॉल्यूम निकालना है, तो हम इसमें अपने उस इरेगुलर मैटर को या इरेगुलर ऑब्जेक्ट को किसी स्ट्रिंग में बांधकर इसमें लटकाएंगे। तो जैसे हम इसे यहाँ लटकाएंगे तो कुछ बढ़ेगा, तो ये पता चला कि 260 ml यहाँ से ये 60 ml बढ़ गया। अब यानी इसकी फाइनल रीडिंग है 260 ml माइनस 200 ml, इसकी इनिशियल रीडिंग थी तो बराबर आ गया 60 ml, ये इसका वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम के बारे में हम पहले पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि ये सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर और एक एम एल बराबर होता है एक क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम पता लग गया। यानी ये 60 ml का मतलब हो गया ये 60 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हम पहले से कंसीडर्ड है, तो इस तरह निकाल सकते हैं। और एक और सिस्टम ये है कि उसका हमारे पास एक कैन इस्तेमाल होता है, यूरेका कैन कहते हैं उसको, और उसमें इस तरह का उसकी डिजाइन होती है। इसमें हम बिल्कुल यहाँ तक जहाँ पर ये इसका इसकी टोटी शुरू होती है यहाँ तक इसमें हम पानी भरते हैं, और इसमें एक इसके नीचे इसकी जहाँ पर इसकी ये टोटी है वहां पर एक हम मेजरिंग सिलेंडर रख देंगे, छोटा बीकर रख देंगे जिसमें हमें ये पता चल जाए कि मेजरिंग बीकर इसलिए होगा कि उसमें निशान लगे होंगे, पता चल जाएगा कि इसमें कितना पानी है, ये भी एल एल में बताएगा। अब हम अपने जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका हमें जिसकी हमें वॉल्यूम निकालना है उसको इसमें जैसे ही लटकाएंगे तो कुछ पानी इसमें आना शुरू होगा, मान लीजिए इतना पानी इसमें आ गया, इसको हम नाप लिया, ये पता चला 60 ml पानी इसमें आया यूरेका कैन से, इसका नाम है। यूरेका ये आपकी एक्टिविटी इसमें दी हुई है इसके पेज नंबर 17 पर, तो आप देख सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम पता चल गया, और इस ऑब्जेक्ट को जो हमारा इरेगुलर ऑब्जेक्ट है इसको हम किसी भी बीम मेलिंग से किसी से भी नाप लें या तोल लें तो उसका मास पता चल जाएगा, तो ये इसका वॉल्यूम आ गया, ये 60 क्यूबिक सेंटीमीटर, और मास भी पता कर लें इसका किसी बीम बैलेंस से तोड़ कर, तो इसका मास पता चल जाएगा, तो मास का वॉल्यूम इसकी डेंसिटी।